तो भाई बारिश यहाँ पे फिर से शुरू हो गई है और हम 11 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे की शुरुआत करते हैं आगमन करते हुए हर घर तिरंगा। तो टाइम हो रहा है 10:35, अब हम यहाँ से निकलने लगे। ये फ्रेंड है जिसके पास हम आए थे, भाई हेलो बोल दो। हाय। अब हम यहाँ से जा रहे हैं बैंगलोर, भाई सामान सारा नीचे जा चुका है, अब हम भी नीचे ही जा रहे हैं बस। तो आपसे मिलते हैं अब हम रास्ते में। सो मैं इस पे बैठूंगा अभी, हाँ बेनेट और विशाल उस बाइक पे निकल रहे हैं अपन हैदराबाद के लिए। तो आपसे मिलते हैं हम रास्ते में। तो यार अभी हम कुछ नाश्ता करके यहाँ से निकलेंगे, बिकॉज कुछ खाया नहीं अभी तक। भूख काफ़ी तेज़ लग रही है और 11:30 भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें शॉप दिखी है, यहाँ पे डोसा वगैरह हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से अपन कुछ खाते हैं, देन फिर आगे की जर्नी हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, 4 डोसे भाई। भाई फर्स्ट टाइम साउथ में आके मैं फ़र्स्ट टाइम साउथ का डोसा ट्राई करने जा रहा हूँ। अभी तक ऐसा साउथ इंडियन कुछ मैंने डिश ट्राई नहीं करी है, अब यहाँ पे पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ। आपको देख के फिर बताऊँगा कि कैसा है। मज़ा आ रहा है बेनेट? बहुत मज़ा आ रहा है भाई। चार चाय मज़ा खेलनी पड़ेगी क्या? शैम्पू इसलिए में टाइम लगते हैं ना, शैम्पू सोच रहा हूँ शाम को जाके कर लूँ बैंगलोर। ओके, मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। मतलब ये एक्सपीरियंस है ना, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है यार। अगर कभी मौका मिले बाइक उठाओ और निकल जाओ, सोचो मत कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, पहले घर से निकलो, उसके बाद खुद ही आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ जाओगे। ब्रो 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 भाई डोसा खा के निकल चुके हैं, अब सीधा जा रहे हैं मनाली। उन्हें पता उन्हें जरा बताओ कि डोसा कितना खाया, चाय कितना खाया, बिल कितना आया? यार 6 डोसे खाए, 8 चाय, 1 कोल्ड ड्रिंक, बिल गैस करो कितना होगा। मैं बता देता हूँ, 260 रुपये। मतलब अच्छा है यहाँ पे यार, ये वेदर आज भी बहुत औसम है साउथ का। मतलब गर्मी मिली नहीं अभी तक यार, वैसी वाली जैसी दिल्ली में होती है। नाम सोच क्या है? तो भाई ये मनसा हिल्स एरिया है, ठीक है। अभी मेरे को व्यू कुछ ऐसा दिख गया कि मेरा मन कर गया कि मैं यहाँ पे रुक के एक छोटी सी क्लिप निकाल लूँ। तो ये देखो, वो सामने लेक है, आप देख पा रहे हो नहीं, बहुत बड़ा कोई लेक है क्या है, आगे से देखते हैं। यहाँ से तो क्लियर व्यू नहीं आ रहा है, आगे से देखते हैं क्या सीन है। यहाँ से देखो भाई साहब, वो हिल्स है।
वाला बैग जो पीछे लगा हुआ था उसको थोड़ा सा आगे के साइड शिफ्ट किया है और यहाँ पे मैं बीच में बैठूँगा ताकि मुझे पीछे टेक मिल पाए। ये लोग भी आ गए। बहुत बढ़िया, तुम्हारी कैसी चल रही है? एक नंबर। दो डोसा खिला दीजिए, हमको भूख लगा है। लीजिए पकड़िए, खाइए दो। Let's go crazy my baby, dancing with the lights. Together we could chase the sun. भाई हमने यहाँ पे रास्ते में बहुत देर से दिख रहे थे बट अब खाने का मन कर दिया, अब रहा नहीं जा रहा था तो हमने लिए, अब हम खाएंगे। सही चल रहा है यार, थोड़ी बहुत थकान हो रही है बट ठीक है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है। टीम ट्रिल लाया, रस्सी लाया है, बांध लेंगे भाई, जुगाड़ कर देंगे। जो रस्सी बगल में रखा था मैं, बोला था क्या काम आएगा, सब बोला था काम आएगा। क्या हाल है? कड़ी कड़ी भी है तो अब लगने जा रहा है बाइक पे हमारे देश का झंडा। भूलेंगे कि सब निकले हैं दिल्ली से, झंडा अभी लगा रहे हैं। बोलने दो बोलने दो। भाई रस्सी नहीं मिली थी यहाँ पे एक वो भैया के पास जो वहाँ पे खाना खिला रहे हैं, दाल चावल वाले भैया, दाल चावल वाले भैया उसे लेके आ रहे हैं। डंडा पेड़ से तोड़ लिया एक, नहीं गिरा हुआ था, तोड़ा नहीं, अच्छा गिरा था। और हम 11 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे की शुरुआत करते हैं आगमन करते हुए, हर घर तिरंगा, और यहाँ हर बाइक तिरंगा भी होना चाहिए। बस अभी के लिए हमारा घर ये हमारी बाइक ही है। जब हमारा ट्राई कलर लहराता है तो कितने शान की प्राउड फीलिंग आती है, और हमारे पूरे रास्ते प्राउड फीलिंग हमें फील होता रहेगा। लो इसे इसे उसको उसको कट कर दो इससे।
भाई बारिश यहाँ पे फिर से शुरू हो गई है। हम बेंगलोर से करीब 400 किलोमीटर दूर हैं। अचानक से ही बारिश शुरू हो गई है, देख सकते हो आप, इसलिए हम यहाँ पे, ये छोटी सी जगह है, यहाँ पे हम रुक चुके हैं, भीग ना जाए, क्योंकि रेनकोट वगैरह सारा उसके ही पास है, उसी बैग में। लेट्स सी कितनी देर होती है बारिश, वेट करते हैं, देन फिर हम आपसे मिलते हैं। लिखा हुआ है इन्होंने, कुछ नहीं समझ आ रहा। अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर वन सीमेंट भाई, मैं पढ़ लिया, मैं सीख गया अल्ट्राटेक सीमेंट। यार हम रुके थे यहाँ पे हाईवे पे, थोड़ा सा सीन वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा था, आप भी देख लो। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो सामने चांद देखो, अभी वो बाहर आ गया, जब वो आधा बादलों में था और आधा बाहर आया था तब क्या सही लग रहा था। अब कैमरे में वो चीज़ नहीं दिख सकती जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, बट जो भी जैसा भी सीन है, बहुत ही ज़बरदस्त। सो एक ब्रेक लिया अभी हमने, काफ़ी देर से चल रहे थे, थकान हो गई, सोचा था 15-20 मिनट रेस्ट करके चाय वाय पी के अपन निकलते हैं यहाँ से। तो यहीं पर रुके हुए हैं, ये हाईवे पे ये एक शॉप है, ये आप देख सकते हो पीछे, ये छोटी सी एक शॉप है, यहाँ पे ही हमने चाय वाय पिए, अभी बिस्किट खाए, अभी यहाँ से अपन निकलने का टाइम हो गया है। तो बेंगलोर अभी भी यहाँ से करीब आई थिंक 250 किलोमीटर्स और है। सो लेट्स सी हम आज कवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कोशिश तो पूरी होगी कि आज कवर कर पाएँ, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके क्या हो रहा है? जहाँ मिले जगह वहाँ लेट जाओ, इसके अलावा कुछ मत करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है अभी यार, 260 किलोमीटर यहाँ से है बेंगलोर, और हमें आज पहुँचना है बेंगलोर यार, समझ रहे हो? हाँ, साउथ में चाय बड़ी अच्छी मिलती है, ये आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता करो साले आगे, और क्या, चाय पियो मस्त एकदम कड़क, चीनी कम वाली, मज़ा आ जाएगा। और बात कुछ अलग सा कैरमल का फ्लेवर नहीं आ रहा थोड़ा? हाँ, कुछ अलग सा फ्लेवर तो आ रहा है, वो क्या फ्लेवर है कैसा नहीं है। और अभी अचानक से एक बंदा मिला, वो बोल रहा है UP 65 बनारस, मैं कहाँ पे आप जानते हो? उसने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, मेरा सेठ है मुंबई में, वो बनारस का है, तिवारी। मैं कहूँ तिवारी सेठ,
वो जो माला सॉरी हेरा फेरी में उसके पैसे खा गया था, 20 लाख दे, तो वही तिवारी सेठ था उसका, है ना। अभी यहाँ 250 किलोमीटर है, कर लेंगे कवर। 8:30 बज रहा है बेबी, 11:30 तक या फिर 12 तक, क्योंकि हम आराम से चल रहे हैं, कर लेंगे। बाकी दुकानें तो आपको दिखाई दिया होगा लवली ने, बस मजे करो। गुड मॉर्निंग। आज है 6ठा दिन और हम हैं बेंगलोर के आउटर में। रात को काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे, लेट हो गया था, तो हमने सोचा कि हम यही बेंगलोर के आउटर में ही रुक जाते हैं, देन मॉर्निंग में हम यहाँ से बेंगलोर के लिए निकलेंगे। तो आज अभी हम यहाँ से बस रेडी होकर निकलने की लगे थे, बाकी मज़ा आ रहा है, ऑल सॉर्टेड है। तो कल कुछ ऐसा हुआ कि हम मॉर्निंग में हैदराबाद से निकले, एंड हैदराबाद से बेंगलोर था करीब 570 किलोमीटर्स। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर हम चलते रहे, बीच में हमने काफ़ी रेस्ट भी लिया। उसके बाद रात हो गई थी हमें चलते हुए, बीच में बारिश हो रही थी, थोड़ा ट्रैफिक भी था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया एंड हम थक भी चुके थे। तो बीच में ही हम रुक गए थे, होटल वगैरह ढूंढ रहे थे, बट वहाँ पर होटल मिला नहीं था, तो हमारे दोस्त वहीं पर हमने शेड एक देखा, पहले तो हम वहाँ से हो गए, उसके बाद वहाँ मच्छर वगैरह काटने लगे, तो हमने सोचा नहीं यार लेते हैं यहाँ पे आसपास एक होटल। तो होटल हमने ढूंढा, यहाँ पे हमें मिल गया एक होटल यहाँ पे, तो ये रूम है 700 का हमें पड़ा है यहाँ पे, या शायद आई थिंक 1200 का है फॉर 4%, 700 फॉर 2 था एंड फॉर 4% इन्होंने 1200 का हमें दिया है। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बेड लगे हुए थे, वॉशरूम था, काफ़ी बड़ा रूम था। तो अब करना ये है, आज का प्लान हमारा ये है कि अब हम यहाँ से निकलेंगे एंड जाएंगे बेंगलोर, जो कि यहाँ से करीब 60-70 किलोमीटर्स ही होगा, ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे की राइड है खाली। उसके बाद आज हमने बेंगलोर एक्सप्लोर करना है थोड़ा बहुत, कुछ मॉल्स हैं वहाँ पे घूम लेंगे, कुछ भी देखते हैं, मार्केट वार्केट क्या करना है, कोई मिलेगा, भाई से भी मिलना है मुझे वहाँ पे, तो मैं भाई के पास भी जाऊँगा। फिर आगे हमने निकलना है यहाँ से कोयम्बटूर के लिए, जो कि नियर अबाउट 300 ऐसे कुछ है, मैं श्योर नहीं हूँ कितना है एग्जैक्टली, बट 300 है इतना मुझे पता है। तो रेस्ट यहाँ आप देख लो, मौसम सही है यार, रात को यहाँ पे ठंड लग रही थी, काफ़ी ठंड लग रही थी, और रूम में एसी भी लगा हुआ था, तो हमने पंखा तक नहीं चलाया, एसी तो दूर की बात है। बाकी अभी फ्रेश व्रेश होके अपन ब्रश व्रश करके नहा धो के निकलते हैं यार। और मेरे साथ एक इश्यू ये भी है कि मेरे जितने कपड़े बैग में पड़े हुए थे सारे के सारे भीग चुके थे, तो वो अभी सूखने के बाद भी उसमें काफ़ी वो गंदे हो चुके थे, इस वजह से थोड़ा सा इशू आया। अभी क्या है कि जो मैंने पहना हुआ है अभी तो फ़िलहाल मैं यही पहनूंगा, कल ये पहना था, आज भी यही पहन लूँगा टी शर्ट ऊपर से, और वहाँ जाके बेंगलोर में मैं कुछ शॉपिंग करूँगा, देन वहाँ से कपड़े लूँगा, देन फिर मैं पहनूँगा। बिकॉज़ जो मैं लेके आया हूँ कपड़े वो तो सारे ख़राब गंदे हो चुके हैं, बिकॉज मोस्टली मैं वाइट लेके आया था, बिकॉज़ इंडिपेंडेंस डे वाले दिन का मैंने सोचा था, देन उसके साथ भी एक दो टी शर्ट थी जो कि वाइट थी, वो भी गंदी हो चुकी है, तो कोई मतलब नहीं है उसे पहनने का यार, वाइट कपड़े गंदे, तो इस वजह से ये ब्लैक है, ये तो गंदा पता भी नहीं लगता है यार। चलो मजाक की बात थी, वहाँ जाके फिर मैं चेंज करूँगा अभी, एंड फिर देखते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, भाई से मिलते हैं, देन आज हमें या कल मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में हम कोयम्बटूर के लिए निकलेंगे यहाँ से। तो मिलते हैं आप सबसे हम रास्ते में, सी यू गाइस।